सब्सक्राइब करन्तु एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा चैनल को एवं पाखर थिबा घंटी आइकन दबाई कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा। तो पिला माने मु आपण मानकु एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा चैनल तरफ स्वागत जनाउछि। तो आज आम कौन पढ़ा ना दशम पिला माने रही अच्छी कौन जीव विज्ञान रही लाइफ साइंस तुम रही अच्छी। तो आम टेन्थ क्लास पिला आज साइंस तुम चैप्टर रही अच्छी साइंस आज आम पढ़ा। तो फर्स्ट चैप्टर आज आम डिस्कशन करवा दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम चैप्टर जहाँकि कौन रही अच्छी ना पोषण बाकी न्यूट्रिशन इंग्राजी कह जाए। तो आज आम पोषण विषय डिस्कशन करवा पढ़ा। तो स्टूडेंट्स वीडियो आरंभ करने आगे जदि आपम चैनल नुआ विजिट कर तो आम चैनल वीडियो गुड़ी को लाइक कमेंट शेयर करूँ एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाँफल आम छाड़ वीडियो मान सर्वप्रथमे आप देखिपर। तो चलतु वीडियो टी आरंभ करवा। तो स्टूडेंट्स देख पोषण कहले कौन बुझ पोषण कौन ना तुम मानकर जीवन जो सब असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवनधारा अव्यवहत हो सब सक्रियापी शक्ति आवश्यक जहाँ पोषण मान कह आम न्यूट्रिशन शक्ति आहरण उपादन संग्रह पोषण जरिया होता है। से हीपरी कौन जीवर खाद्य एवं सबुद चाहिदा पूरण करें। तो आसतु भिडटी को आरंभ करवा। शरीर समन्वित भाव होता असंख्य जावर सरी जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवनधारा अव्यवहित होता है। यही सब प्रक्रियापी शक्ति आवश्यकता पड़ता है। छड़ा कोष टीस्यू एवं अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन एक एवं शरीर वृद्धि और मरामती क्षयपूरण निम्ते विभिन्न उपादान दरकार जीवर खाद्य और समस्त चाहिदा पूरण करें। शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण न्यूट्रिशन जरिया होइथाय। सबुज उद्भिद आलोकश्लेषण प्रक्रिया निजर खाद्य निजे प्रस्तुत करथाय। परिवेशरु आवश्यक पोषक न्यूट्रिएंट्स मध्य ग्रहण करथाय। किंतु प्राणी और अन्य सब जीव खाद्य पई उद्भिद उपर प्रत्यक्ष परोक्ष भाव निर्भरशील से माने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत गच्छित खाद्य को बा खाद्य पदार्थ को बा गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी मानकर खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। तो प्रथम जानवा कौन रहा विषयटी कौन कौच ना शरीर में कौन हो असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जहाद्वारा आम जीवन अतिवाहित होता है। ठीक अच्छे यही सब प्रक्रियापी शक्ति आवश्यक पड़ता है। छड़ा कोष टीस्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठनपाई शरीर गठनपाई शरीर वृद्धि और मरामती क्षयपूरण कौन उपादान विभिन्न उपादान आवश्यकता पड़ता है। जीवर खाद्य यही सब चाहिदा पूरण करते जीवर कौन होता है ना खाद्य ये सब समस्त जो चाहिदा सब रही अच्छी ताको पूरण करते। शक्ति आहरण उपादान संग्रह न्यूट्रिशन जरिया होता है। सबुज उद्भिद आलोकश्लेषण प्रक्रिया आप जानते फोटोसिंथेसिस जो रही अच्छी प्रक्रिया सेटा कौन ना निज खाद्य से निजे प्रस्तुत करें। परिवेशरु आवश्यक पोषक बा न्यूट्रिएंट्स मध्य ग्रहण करथे। किंतु प्राणी और अन्य सब जीव खाद्य पई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावरे निर्भरशील से माने उद्भिद द्वारा कौन करथांती ना प्रस्तुत बा गच्छित पदार्थ को से अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए किंतु जेतले से जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान परिणत हो अंग प्रत्यंग उपलब्ध होइथाय। सेठाले कौन हुए ना सरल खाद्यर दहन बाकी ऑक्सीडाइजेशन कह जाए ओडियारे जारण कहुए सला ऑक्सीडेशन जो दहन प्रक्रिया बा सरल खाद्यर को कौन दहन बा जारण ऑक्सीडेशन घटी से कौन होता है ना शक्ति मोचित होता है शक्ति सृष्टि होता है। शक्ति मोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया बोली आम कहीपर यह अपचय काटाबोलाइजिम एक उदाहरण। से हीपरी खाद्यर शरीर गठन आदिपी आवश्यक उपादान सृष्टि गठनमूलक कौन कहुए ना कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव
प्रक्रिया बोली कहुए गठनमूलकता को आम कहीपर तो यही प्रक्रियाटा को कौन कहुए ना चय प्रक्रिया बोली कहुए आनाबोलिज्म कहुए पाने मन रखिए आनाबोलिज्म आ कैटाबोलिज्म क्या कहुए मन रखिए पाने ध्वंसात्मक प्रक्रियाटा को कौन कहुए ना कैटाबोलिज्म आउ आनाबोलिज्म क्या कहुए ना गठनमूलक प्रक्रिया को आनाबोलिज्म कहुए यार पार्थक्य दर्शा आसीपे बा सर्ट क्वेश्चन आसीपे तुम एग्जाम रे ठीक अच्छे चय और अपचयर समारोह हो चयापचय आम कहीपर ठीक अच्छे यहा जीव शरीर से सब वे चली था सुतरा जीव को सक्रिय और जीवंत महत्वपूर्ण भूमिका रही अच्छी स्पष्ट हुए जे बंची रही जीवर खाद्य आवश्यकता होता है तो पाने बंची रही जीव को खाद्य आवश्यकता अत्यंत आवश्यक बोली आम कहीपर खाद्य बिना मनुष बचा असंभव किसी दिन हुए तो बचीपर कितु खाद्य बिना मनुष बचा कौन असंभव तेणु खाद्य एक आवश्यक बोली अत्यंत आवश्यक बोली आम कहीपर ना ना पाने तापर देख खाद्यर प्रकार भेद खाद्यर केते प्रकार सब भेद सब रही अच्छी खाद्यर प्रकार भेद विषय आम जानवा तो रासायनिक गठन और कार्य शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपर निर्भर कर आम खाऊ खाद्य को मुख्यतः छ प्रकार विभक्त कौन सब से गुड़िक जाना ना श्वेत सार प्रथम रही कार्बोहाइड्रेट्स शुणी नाटे पाने तुम्हें श्वेत सार विषय किसी जाथ्व जदि जाम कमेंट सेक्शन जना कौन जान श्वेत सार विषय एवं गोटे उदाहरण दि तुम्हें डेली व्यवहार डेली खाद्य ग्रहण कर गोटे उदाहरण दि खाद्य जो थे श्वेत सार परिमाण अधिकार रही है तो श्वेत सार कार्बोहाइड्रेट्स आम पढ़ा शर्करा सुगार्स एवं मंडद स्टार्च आम खाऊ खाद्यर प्रधान श्वेत सार श्वेत सार आम कहले साधारण कौन बुझी था ना सुगार आम जो रही मीठा जिनस शर्करा मंडद स्टार्च आम साधारण खाऊ खाद्यर प्रधान श्वेत सार भाव में आम कही आलु भात रुटी रे प्रचुर परिमाण में मंडद रही था मान कौन स्टार्च रही था आलु भात एवं रुटी रे बहुत परिमाण रे कार्बोहाइड्रेट्स बा श्वेत सार रही है चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज बा कौन आम जो कहे सुगार्स फल रस पनीपरिवार ग्लुकोज जातीय श्वेत सार जातीय श्वेत सार अधिक परिमाण रे रही है तो आम आलु भात रुटी रे कौन रही है मंडद स्टार्च अधिका रही है ना नहीं चीनी गुड़ आदि रे सुक्रोज बेसी रही है तापर आसला फल रस अनेक पनीपरिया रही अच्छी तादर ग्लुकोजर परिमाण अधिका रही है श्वेत सारु आम सहजरे शक्ति आहरण करेत सारणु आम कौन कर अति सहजरे सहजरे शक्ति आहरण ग्लुकोजर फर्मूला कौन रही अच्छी ना सी सिक्स कार्बन छटी एच टूल्व है हाइड्रोजेन बारटी अक्सीजेन छटी नहीं कि कौन गठित होता है ना सी सिक्स एस टूल्व ओ सिक्स ग्लुकोजर यहाँ आम कहीपर ठीक अच्छे रे रही कार्बन उज्जान एवं अम्लजान तो मुझे कार्बन कार्बन उज्जान हाइड्रोजेन अक्सीजेन अम्लजान मिसिक रही अच्छी कोशीय शोषण व सेलुलर रेस्पिरेशन बेले ग्लुकोजर का जारण फल कौन होता है ना अंगारकाम्ल और जल सृष्टि शक्ति निर्गत होता है ठीक अच्छे एक ग्राम श्वेत सार प्राय केते किलो जूल शक्ति निर्गत होता है ना वन कौन कौन ये कहला ना एक ग्राम वन ग्राम श्वेत सारू के ना षोल किलो जूल को आम किप लिखि था के जे करके लिखि था ठीक अच्छे किलो जूल शक्ति निर्गत ग्राम श्वेत सारू षोल किलो जूल शक्ति निर्गत होता है पाने तापर आम नेक्स्ट पृष्टिसार कौन रही ना मुख्यतः पृष्टिसार
ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ନୂତନ କୋଷ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଟିସାରର ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବା